हेलो स्टूडेंट्स आई एम गुरविंदर का और फैकल्टी ऑफ अब मेन्यू आई एस ई वेरी वॉम वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन और आज ये हमारा आई थिंक एटथ सेशन है ठीक है फॉर द प्रीवियस ईयर डिस्कशन और इससे पहले भी हमने काफ़ी सेशन किया और आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया उसमें ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बोल रहे थे कि मैम बहुत हेल्पिंग है ये ठीक है सो उसी सीरीज़ को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन देखते हैं यहाँ ठीक है इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं अब ठीक है और मैंने ये देखा है यहाँ पे कि इकॉनमी जो है वो मैं सिंस 2013 के लेकर और अब तक के 2020 जो लास्ट एग्जाम हुआ मैंने देखा कि इकॉनमी बहुत अच्छी खासी पूछी जा रही है और उसका जो लेवल है वो उन्होंने वही बना के रखा हुआ है मतलब कि जो इकॉनमी का जो मतलब यू you नो know, अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल बोलूँ तो वो काफ़ी अच्छा खास है तो आपको इकॉनमी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है स्टूडेंट्स क्योंकि करंट ओरिएंटेड प्लस स्टैटिक दोनों ही तरीके से वो इकॉनमी को पूछ रहा है कंटिन्यू ये जो यू नो स्टैंडर्ड है वो उसने मेंटेन करके रखा हुआ है सिंस 2013 से ठीक है तो आप जो है इकॉनमी के सेशन को बहुत अच्छे से रेडी करना ज़्यादा से ज़्यादा एम प्रैक्टिस करना स्टूडेंट uh, किसके इकॉनमी के बिकॉज इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पढ़ने में तो कोई ज्यादा टाइम लगता नहीं है क्योंकि समझ आ जाता है ऑलमोस्ट अगर आप किसी मतलब बड़ी अच्छा टीचर है ठीक है वो आपको पढ़ा रहे हैं ठीक है जैसे अभी मैं न्यू आई में पढ़ाते तो वो बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी दे, दे देते हैं इकॉनॉमी के टर्म्स के बारे में ठीक है आर हो गया हमारा गवर्नमेंट सिस्टम हो गया मॉनिटरी पॉलिसीज हो गई फिजिकल पॉलिसीज हो गया ठीक है वो सब क्लियर हो जाता है बट प्रॉब्लम इज दैट की स्टूडेंट जो है समझ तो जाते हैं बट उसके बाद वो एम सी क्यू प्रैक्टिस नहीं करते एम सी क्यू भी नहीं देखते और प्री वाई क्यू भी नहीं देखते होता क्या है स्टूडेंट जब आप एग्जाम के अंदर बैठ के इकोनॉमी के क्वेश्चन डिस्क आ, यू नो आप उसको अटेम्प्ट करते हो तो स्टूडेंट आपको वर्डिंग ही समझ में नहीं आती एक्चुअल में क्वेश्चन बहुत आसान होता है बस आपको वर्डिंग समझ में नहीं आती ठीक है तो वर्डिंग समझ में नहीं आएगी तो आपका क्वेश्चन गलत होगा ही होगा ये हंड्रेड परसेंट श्योर है ठीक है तो वर्डिंग को पकड़ना इकोनॉमी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में वो बात किसके बारे में कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या होता है कई बार इसमें ओवरलैपिंग बहुत हो जाती है ठीक है हम मतलब सेंस कुछ और होती है क्वेश्चन की और हम कुछ और समझ जाते ठीक है तो उस चीज को ध्यान में रख तो के आप क्वेश्चन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ठीक है तो पढ़ते हैं स्टूडेंट गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी के ऊपर टैक्स वो है ठीक है क्वेश्चन है ये कहता है गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी इज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप टुवर्ड्स द कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स इन द कंट्री कंसीडर द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी कहता जीएसटी के रिस्पेक्ट में आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है ठीक है ओके तो पहली बोलता है कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी द बर्डन ऑफ सेंट्रल सेंट्रल स्टेट टैक्स सी एस टी विल बी रिमूव पहली स्टेटमेंट ये बोलता है वो दूसरी बोलता है फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट एट स्टेट लेवल क्य अगर जीएसटी को हमें स्टेट लेवल पे इंट्रोड्यूस करना हो स्टेट शुड बी गिवन द पावर टू लेवी द टैक्सेस ऑन सर्विसेज या तो उनको पावर देनी पड़ेगी कि हम सर्विसेज के अंदर वो टैक्स लेवी कर सके तो स्टेटमेंट जो सही है वो बोला इसने वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू एंड नीदर वन नीदर टू ये कलर चेंज है डोंट वरी आप थोड़ा सा इसके साथ एडजस्ट करना ठीक है बस समझना इसको तो बताइए स्टूडेंट कौन सी स्टेटमेंट सही होगी पहला ये है कि कहता है सेंट्रल सेल्स टैक्स विल बी रिमूव्ड बिल्कुल आफ्टर जीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स जो है वो रिमूव कर दिया गया राइट तो पहली स्टेटमेंट तो सही हो जाती है हमारी सेकंड कहते हैं स्टेट को पावर देनी पड़ेगी बिल्कुल देनी पड़ेगी क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो टैक्स में लॉस होगा ठीक है और ये आपको पता ही है कॉम्पनसेशन वाला ठीक है तो पेपर टू थाउजेंड थर्टीन वाला है तो ऑब्वियसली अब अब तक इतना अपडेट नहीं था तो हमारा राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट सी बोथ वन एंड टू बोथ वन एंड टू ठीक है जी ओके ओके स्टूडेंट लेट्स मूव हाँ जी तो क्वेश्चन नंबर आप अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट सेवेंटी टू सेवेंटी टू नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो बेटा हाँ जी 72 टू नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो क्या कह रहा है नंबर में कहता, inflation? कहता inflation, inflation है विच ऑफ द मेजर्स दुड कॉन्ट्रीब्यूट इन्फ्लेशन कहता है इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन पता महंगाई ठीक है महंगाई कब आ जाएगी कौन सा ऐसी चीज है जो कॉन्ट्रीब्यूट करती है महंगाई के अंदर ठीक है इन्फ्लेशन के अंदर तो पहला वो बोलते हैं कि पेमेंट ऑफ पब्लिक डेट अगर पब्लिक के ऊपर डेट है अगर उसका हम पैसा चुका देंगे तो उससे इन्फ्लेशन आ जाएगी दूसरा बोलता है बोरिंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस बजट दूसरा ये बोलता है तीसरा बोलते हैं रिड्यूसिंग फिजिकल डेफिशियट कहता है fiscal deficit. आप फिजिकल डेफिशियट कम कर दो और फोर लास्ट वन है क्रिएटिंग न्यू मनी टू द फाइनेंस बजट तो कौन सा करेक्ट होगा स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन होगा डी अगर आप न्यू मनी यही वजह होती है स्टूडेंट की जो इकोनमी होती है वो न्यू मनी ऐसा नहीं है कि आप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के ना मन में ये बात पक्की आती होगी कि अरे इतनी सारी गरीबी है हमारी कंट्री के अंदर है ना तो क्यों नहीं हम बहुत सारा पैसा छाप लेते और उनको सबको पैसा बांट देते ठीक है सबकी गरीबी दूर हो जाएगी बट ऐसा नहीं कर सकते हमारी गवर्नमेंट ठीक है ऐसा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जिनको इकोनॉमी का पता नहीं होता है। कि अरे मैम इतनी सारी गरीबी है हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारा पैसा छाप ले आरबीआई के पास तो इतनी पावर है, है ना वो पैसा छापती भी है वो पैसा छाप दे और क्या कर दे गरीबों में सारो गरीबों में बांट दो गरीबी दूर हो जाएगी बेटा ऐसा नहीं होता जो हमारी इकोनमी होती है स्टूडेंट वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है फॉर इंस्टेंस अगर मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड बढ़ेगी डिमांड किसकी बढ़ेगी बेसिक कमोडिटीज की डिमांड बढ़ेगी फॉर इंस्टेंस आपकी दूध की डिमांड बढ़ेगी फर्नीचर की क्लोथ्स की हर चीज़ की डिमांड बढ़ेगी है ना वाटर इलेक्ट्रिसिटी हाउस हर चीज की अगर उतना मार्केट आपको नहीं दे पाई राइट right? उसकी सप्लाई एकदम से नहीं कर पाई तो होगा क्या स्टूडेंट मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी तो आप पैसे समझिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास टेन पैकेट मिल्क के हैं मिल्क के हैं और लेने वाले बंदे बीस हैं ठीक है आप दस को ही दे सकते थे बंदे बन गए अब ठीक है तो क्या होगा जो पैकेट आप थर्टी रुपीज में सेल कर रहे थे अब क्या करोगे आप उसका रेट बढ़ा के सिक्सटी कर दो सेवेंटी कर दोगे तो क्यों कि आपको पता है डिमांड बहुत ज्यादा है है ना डिमांड बहुत ज्यादा है तो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आएगा जैसे उस एक नॉर्मल से पैकेट जो मिल्क का पैकेट है जिसका प्राइस थर्टी रुपीज ही होना चाहिए था उसका प्राइस एकदम से सिक्सटी पे शूट कर गया क्यों ड्यू टू डिमांड और अगर डिमांड बढ़ेगी स्टूडेंट तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा okay? सेम चीज सप्लाई पे भी होती है अगर सप्लाई कम सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए डिमांड कम हो जाए तो चीजें क्या हो जाती सस्ती हो जाती है okay? चीजें सस्ती हो जाती है जैसे कि एकदम से मान लो मार्केट के अंदर बहुत सारा फ्रूट आ गया बहुत सारा कोई भी एक फ्रूट लगा लो आप कोई भी फ्रूट आ गया ठीक है अब उसको लेने वाले इतने ज्यादा है नहीं तो प्राइस क्या होती है ऑटोमेटिकली डाउन चले जाते स्टूडेंट क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिशिएट कैन क्रिएट कॉन्ट्रीब्यूट इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन आएगा स्टूडेंट ऐसा बहुत सारी कंट्रीज ने इवन किया भी है ठीक है वहाँ के इनको इकोनॉमी के बारे में कुछ भी नहीं पता था वहां के रूलर्स में अफ्रीका की एक कंट्री भी है अभी मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा उनका नाम उन्होंने तो ऐसा ही किया था बहुत सारी मनी प्रिंट की और फिर उसको बांट दिया लोगों में ठीक है तो अब क्या हो गया मनी की वैल्यू जो है वो बहुत कम हो गई ठीक है और इन्फ्लेशन एकदम से शूट कर गया ठीक है मतलब आपको अगर एक पैकेट दूध का लेना है तो आपको इतना सारा मनी लेके जाना पड़ेगा कैरी करके लेके जाना पड़ेगा ठीक है आपकी हिस्ट्री की बुक्स के अंदर आपकी इकोनमी की बुक्स के अंदर वो सारी स्टोरीज दी हुई हैं ठीक है थीका? आप पढ़ भी सकते हो उनको ठीक है ओके ओके लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी तो क्वेश्चन नंबर सेवनटी थ्री देखिए आप यहाँ पे सेवेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन पढ़ो स्टूडेंट्स आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़ना है स्टूडेंट समझना है कि यार क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहे अगर आपने कभी इकोनमी नहीं भी पढ़ी ना मैं कहती तब भी पढ़ो क्यों पढ़ो स्टूडेंट्स बिकॉज जब आप पढ़ते हो तभी तो आप फेमिलियर हो गए वर्ड के साथ है ना वर्ड के साथ फेमिलियर तभी होते हैं स्टूडेंट जब आप पढ़ते हो ठीक है आप पढ़ो इकोनॉमी नहीं बढ़ी ना मैं कहती तब भी पढ़ो ठीक है क्योंकि जब भी आप इकोनॉमी अब दोबारा से जब उठाओगे जब पढ़ोगे क्लासेस लगाओगे है ना तो क्या होगा स्टूडेंट्स आपको वो वर्ड फेमिलियर आपको वो पता चलेगा कि अरे ये वर्ड तो मैंने पी वाई क्यू में भी देखा था है ना तो क्या है विन विन सिचुएशन है स्टूडेंट आपका लॉस कहीं पे भी नहीं है पी वाई क्यू पढ़ने पे मैं आपको इतना श्योर कर सकती हूँ पी वाई क्यू मैं कहती हूँ अगर आप बीस बार पढ़ लो सौ बार पढ़ लो तो भी कोई उसमें लॉस है नहीं हर बार हर बार हर बार आप एक न्यू चीज़ सीखोगे उससे कि हाँ जी यार एग्जाम से क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं ऐसे आ रहे हैं मुझे ऐसे अटैम्प्ट करना चाहिए मुझे ऐसे अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए है ना कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है कहाँ से बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन उठा रहे हैं तो उन चीज़ों के बारे में सिर्फ और सिर्फ आप तभी पता लगा सकते हो जब आप पी वाई क्यू पढ़ते हो अदरवाइज कोई सोर्स नहीं है एग्जामिनर को एग्जामिनर को समझने का या एग्जाम को समझने का है ना नेट पे तो अवेलेबल है नहीं कुछ ऐसा वैसा ठीक है और यूट्यूब पे जो है चीज़ें पड़ी हुई हैं ठीक है थीके? वो इतनी रेलिवेंट है नहीं क्योंकि दे क्रिएट सो मच कन्फ्यूजन इन योर माइंड ठीक है सो दैट्स वाई पी वाई क्यू आप खुद से पढ़िए और मेरे साथ साथ इनको अटेम्प्ट कीजिए तो सेवेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स हाँ जी तो क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट कहता है डी मोटल म्यूचुलाइजेशन डी म्यूचुलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टॉक मार्केट मीन्स व्हाट स्टॉक मार्केट के अंदर डी म्यूचुलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वो क्या देखिए स्टूडेंट अगर तो कोई इकोनमी का स्टूडेंट बैठा हुआ बी कॉम का वो तो कर जाएगा इसको बड़े आराम से बाकियों के लिए तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ठीक है टफ है नो डाउट अबाउट दैट ठीक है तो कहता है सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज दूसरा है कन्वर्जन ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज इन ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं ये तो बिल्कुल गलत हो गया अनलिस्टिंग ऑफ ए ब्लू चिप कंपनी फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज ये भी गलत है अवार्डिंग ट्रेडिंग राइट्स बाय ए कंपनी टू ए मर्चेंट बैंक नहीं पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट इसका बिल्कुल करेक्ट है ठीक है बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट ठीक है ओके ओके इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो ये एक फैक्ट्री है के चार ऑनर्स हैं ठीक है ए बी अब मैं आपको सिंपल समझाती हूँ ठीक है बहुत ज्यादा हम इकोनॉमी के टर्म में नहीं जाएंगे वो आपको क्लास में बहुत अच्छे से बता देंगे सर ठीक है अच्छा अब इन सबका शेयर है राइट अब इन्होंने क्या करना है इस कंपनी को लीगलाइज करना है मतलब कि इसको पब्लिक सेक्टर बनाना है ठीक है तो ये क्या करेंगे बहुत सारी इनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो जब इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट आएगी फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए तो इसका मतलब क्या है कि उतना परसेंट जितने परसेंट भी मैंने शेयर परचेज किया फॉर एग्जांपल मैंने वहां पे फाइव परसेंट शेयर परचेज कर ली किसी कंपनी के इट मींस कि फाइव परसेंट मैं क्या हूं कंपनी की ऑनर हूं है ना तो अब ऑनरशिप जो है वो आपकी ना रहकर किसकी हो चुकी है इन्वेस्टर्स की हो चुकी है जो शेयर परचेज कर रहे हैं उनकी हो चुकी है ठीक है तो इस तरीके से शेयर वाले जो है शेयर होल्डर्स हैं उनका अब कंपनी होगी ना कि इनकी हो है, यहाँ पे, ना कि इनकी रही है ठीक है तो आफ्टर लीगलाइजेशन इनकी कंपनी है लीगल कंपनी बनने के बाद जो है लीगलाइजेशन होने के बाद इनकी है तो सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड द डी म्यूचुअलाइजेशन ओके ओके तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यहां पे सेवेंटी फोर नंबर क्वेश्चन हां जी तो क्वेश्चन पढ़िए सेवेंटी फोर हालांकि ये आउटडेटेड क्वेश्चन है ठीक है बट फिर भी क्वेश्चन तो समझना है है ना क्वेश्चन समझ लीजिए आप इसको

एंड फाइनेंशियल फ्यूचर ट्रेडिंग इन द कंट्री नहीं 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 ये तो गलत ही हो गया क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं पहली दो स्टेटमेंट्स को अच्छा तो कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा बनेगा सही ऑब्वियसली हमारा सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा स्टूडेंट सी ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे करेक्ट बनेगा वन एंड टू ठीक है वन एंड टू जो है वो हमारा करेक्ट बनेगा क्यों बनेगा देखो कहता था द फॉरवर्ड मार्केट कमीशन रेगुलेट्स द कमोडिटी फ्यूचर कमोडिटी फ्यूचर को वो कब से रेगुलेट करने लगे नहीं एंड द फाइनेंशियल फ्यूचर ट्रेडिंग ट्रेडिंग को नहीं रेगुलेट करता वो किसको करता है स्टूडेंट एट प्रेजेंट द फॉरवर्ड मार्केट कमीशन इज ओवर सीन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर वो इकोनॉमिक अफेयर्स को देख रहा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है ओके okay? ठीक है जी ठीक है सेवनटी फाइव नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे सेवेंटी फाइव नंबर हालांकि 73 क्वेश्चन इतना रेलिवेंट 74 इतना रेलिवेंट था नहीं अगर आपको समझ में भी नहीं आया तो भी आप उसको स्किप कर सकते हो ठीक है ओके 74 नंबर क्वेश्चन कहता था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नॉन परफॉर्मिंग एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में वो पूछ रहा है कहता नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में बताओ आप कौन सा होते है नॉन परफॉर्मिंग एसेट ठीक है ठीक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट नाम से पता चल रहा है कि जो परफॉर्म नहीं कर रहा वो वाला एसेट ठीक है आप देखो आप कहता था इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन फॉर बैंक से और आपने उसको 90 दिनों तक 90 से ज्यादा दिनों तक आपने क्या नहीं किया उसकी पेमेंट नहीं की ठीक है ओवरड्यू उसके क्लियर नहीं की, आपने ना ही उसका इंटरेस्ट बढ़ा भरा ना आपने उसकी इंस्टॉलमेंट चुकाई ठीक है

क्या उसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं? फिर तीसरा देखिए द बिल रिमेन ओवर ड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन नाइनटी डेज इन केस ऑफ बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड कहता अगर मान लो आपने बिल बिल जो है ठीक है अगर वो भी हमारा क्या है ओवर ड्यू है नाइन्टी डेज तक ठीक है तो क्या उसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट में गिनेंगे तो गिनेंगे बताओ भाई गिनेंगे या नहीं गिनेंगे गिनेंगे नहीं गिनेंगे बिल्कुल गिनेंगे स्टूडेंट्स दोनों ऑप्शन यहाँ तीनों ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास करेक्ट है ठीक है तीनों ही करेक्ट है स्टूडेंट तीनों ही करेक्ट है क्यों करेक्ट है दोबारा से स्टेटमेंट देखो एक बार के लिए पहला देखता है कहता है इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट नब्बे दिनों से ज्यादा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब ही ये होता है कि अगर आप नब्बे दिनों से ज्यादा अगर आपके ओवरड्यू क्लियर नहीं होते या इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं होती तो उस लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर डाल दिया जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब होता है कि भाई अब ये एसेट जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा ठीक है लाइबिलिटी वो हमारे लिए है लेकिन बैंक के लिए वो क्या है एसेट है क्योंकि उससे उनको प्रॉफिट हो रहा है है ना ठीक है तो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल ठीक है पहला भी सही है दूसरा भी सही है यहाँ पे दो क्रॉप के सीजन तक अगर वो नहीं देते हैं तो और तीसरा भी सही है करेक्ट ऑप्शन ठीक है जी ओके ओके क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स देखिए आप यहाँ पे सेवेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन पढ़ो बेटा फटाफट से कहता है ट्विन डेफिसिट बेसिकली रेफर्स टू डेफिसिट के बारे में पूछे मतलब कि अगर दो जगह डबल आपकी डेफिसिट हो जाए तो उसको को क्या बोलते हैं तो फोर्थ ऑप्शन देखो कहता है अगर आपका फिस्कल डेफिशियट भी हो जाए और प्लस में करंट अकाउंट डेफिशियट भी हो जाए तो दोनों चीजें क्या है आपकी ट्विन है फिस्कल डेफिशट मतलब कि अगर गवर्नमेंट का जो इनकम है है ना और जो वो एक्सपेंडिचर कर रही है खर्चा कर रही है अगर वो एक्सपेंडिचर बढ़ जाए और इनकम कम हो जाए ठीक है तो वो भी क्या है डेफिशियट है आपका फिजिकल डेफिशियट और करंट अकाउंट जो आपका मार्केट के अंदर जो आपका लेन देन हो रहा है ठीक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है अगर आपका एक्सपोर्ट बहुत ही कम है और आपका इंपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है तो दोनों ही चीजों में क्या है आप डेफिशिएंट हो है ना डेफिशियट हो ना तो आप आपकी इनकम है ठीक है खर्चा बहुत ज़्यादा है और ऊपर से आप इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो राइट एक्सपोर्ट आपके बहुत कम है राइट right? इम्पोर्ट मतलब कि आप चीज़ों को बाहर से ज़्यादा मंगवा रहे हो ठीक है रेदर देन कि आप बाहर भेज रहे हो बना बना के ठीक है तो ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे कर रहे हो तो सिचुएशन दोनों ही है आपका करंट अकाउंट और फिजिकल डेफिशिएट दोनों ही क्या होंगे ज़्यादा होंगे और अगर ये दोनों ज़्यादा है तो इसको हम इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं ट्विन डेफिशिएट इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट ट्विन डेफिशिएट ठीक है जी ओके ओके नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन पे हां जी पढ़ो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन पढ़ो क्या कहता है कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स लिक्विड एसेट लिक्विड एसेट पे क्वेश्चन पुट किया स्टूडेंट इन्होंने लिक्विड एसेट पे हाँ जी लिक्विड एसेट का मतलब होता है कि कितनी जल्दी आप किसी चीज को आप लिक्विड कर पाओ मतलब कि मान लो आपको पैसा चाहिए ठीक है आपको अभी इसी टाइम खड़े पैर पैसा चाहिए आपके पास चार ऑप्शन है एक आपके पास एफ करवा रखी है आपने एक आपके पास डायरेक्टली कैश पड़ा हुआ एक आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ एक, एक आपके पास हाउस पड़ा हुआ है चार चीजें आपके पास आप मुझे बताओ जल्दी से किससे पैसा मिलेगा आपको जल्दी किससे पैसा मिलेगा ऑब्वियसली कैश है भाई कैश उठा के फटाफट आप दे दोगे आपके पास अगर कैश नहीं है ठीक है तो फिर क्या करोगे आप तो आप क्या करोगे एफ डी तुड़वा सकते हो अपनी बैंक में जाके है ना हालांकि उसमें लॉस होगा बट आप तुड़वा सकते हो जल्दी से ठीक है अच्छा गोल्ड है गोल्ड को आप जल्दी से बेच सकते हो ठीक है हो सकता है कोई इंटरेस्ट दिखा दे आपका गोल्ड खरीदने है ना बट इतनी जल्दी नहीं होगा कि आपका पाँच मिनट में गोल्ड सेल हो जाए नहीं ऐसा नहीं होगा अच्छा फिर आपका घर है हाउस होल्ड है या फिर मान लो कोई पेंटिंग है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट हाउस हाउस है या फिर आपका हाउस है अगर आपका कोई घर है या फिर आपके पास कोई पेंटिंग है अगर उसको आपको सेल कर रहे हैं स्टूडेंट तो आपको टाइम लगेगा डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा क्योंकि इतनी जल्दी तो यू नो सेलर्स आपके पास आएंगे नहीं आपको इतनी जल्दी तो कोई आपके घर का घर को आप लेने में इंटरेस्ट शायद ना शो करे है ना टाइम लेता है ना हर पर्सन इतनी बड़ी अमाउंट पे करने में राइट तो लिक्विड एसेट सबसे ज्यादा कौन सा हो गया आपके पास मनी जो आपके पास कैश पड़ी आप कैश दोगे फटाफट से अपना काम करवाओगे राइट यस और नो ठीक है तो देखिए कहता है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक डी डीडी डी 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 ना हम लोग है ना वो वाली बात कर रहे हैं दूसरा कहता है टाइम डिपॉजिट विद विद बैंक जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स एफडी की बात की मैंने सेविंग डिपॉजिट्स विद बैंक जैसे कि आपके अकाउंट में सेविंग पड़ी होती है चौथा है आपका करेंसी तो आप मुझे बताओ स्टूडेंट कौन सा इसमें से सबसे ज्यादा लिक्विड आई थिंक सो कि आप एक मिनट में आप आंसर कर दोगे इसमें से कि हाँ जी कौन सा ज्यादा लिक्विड है कौन सा ज्यादा स्टूडेंट सी ऑप्शन है ना सी ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर कर लेती इसको हम ठीक है सी ऑप्शन देखो यहाँ पे सी ऑप्शन पे ध्यान से देखो फोर 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 नंबर पे कौन सा है करेंसी सबसे ज्यादा तो करेंसी लिक्विड फिर फर्स्ट पे डिमांड डिपोजिट डी आप बनवाते हो ना है ना फटाफट से दो आपके पास कैश है थर्ड वन सेविंग आपके बैंक में अगर सेविंग्स पड़ी हुई है आप फटाफट से निकलवा सकते हो और सेकंड वन दैट इज टाइम डिपॉजिट एफडी डी तोड़वाने में थोड़ा सा आपका टाइम जाता है ठीक है ऑब्वियसली तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट ठीक है देखा कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था मजा आ गया इस क्वेश्चन को करके राइट ओके स्टूडेंट हाँ जी तो सेवेंटी एट नंबर क्वेश्चन पढ़ो स्टूडेंट हाँ जी कहता है विच ऑफ द आर ए पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस की बात की है स्टूडेंट यहाँ पे इसने ठीक है ये टर्म आपको ना क्लास में बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी गई ठीक है यहाँ पे हो सकता है मैं आपको ज्यादा अच्छे से ना समझा पाऊँ लेकिन कैपिटल अकाउंट जो है ना वो आपको सर बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे ठीक है कहता था कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन से होते हैं तो दो तरीके के अकाउंट होते हैं स्टूडेंट एक हमारा करंट अकाउंट और एक हमारा स्टूडेंट कैपिटल अकाउंट ये जो दूसरा है करंट अकाउंट के बारे में हमने पहले बात की यहाँ पे कैपिटल के बारे में कौन सा है देखिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो बाहर से हमारी इन्वेस्टमेंट आती है ना इंडिया के अंदर उसकी बात कर रहे एक्सटर्नल असिस्टेंट मान लो किसी ने एक्सटर्नली हमें हेल्प कर दी या फिर एनआरआई डिपॉजिट्स तो कौन कौन से इसमें कैपिटल अकाउंट के तीनों ही हैं स्टूडेंट तीनों ही हैं जो वो पार्ट है किसके कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास बी वन टू एंड थ्री ठीक है जी ओके ओके लेट्स मूव फर्दर जी तो नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट क्या बात है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कहता है वेयर इज द स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन पंजाब पंजाब के अंदर स्टॉक एक्सचेंज पे लोकेटेड है जलंधर नो पटियाला नो अमृतसर नन ऑफ द पव ठीक क्योंकि वो लुधियाना में स्टेट इज सिचुएटेड uh, है सो दैट्स वाई नन ऑफ द इसका करेक्ट ऑप्शन है हाँ जी एटी नंबर क्वेश्चन पढ़ो जी कहता है ऑथर दिए हुए हैं ये और इधर उनकी राइटिंग्स दी हुई है इधर साइड ऑथर है इधर साइड राइटिंग्स है ठीक है ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना स्टूडेंट आपको आते हैं तो आते हैं नहीं आते तो नहीं आते ठीक है और ये क्वेश्चन जो है अगर आपने प्लस वन की और प्लस टू की अगर एनसीईआरटी पढ़ी है ना हिस्ट्री की ध्यान से और उनको आपने बार बार पढ़ा है मतलब आपने उसको दस बार पढ़ी है और दस बार पढ़ के और उसके एमसी क्यू लगाए हैं तो ये क्वेश्चन गलत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता ठीक है स्टूडेंट दस बार का इन सेंस मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप दस बार ही पढ़ो दस बार का मतलब होता है स्टूडेंट कि जब तक वो आपको अच्छे से समझ में ना दे ठीक है जब तक कि वो आपको अच्छे से समझ में आके आप इतने कंफर्टेबल ना हो जाओ कि आप हर एक एमसीक्यू को अटेम्प्ट कर पा रहे दो चार गलत हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है बट हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके आपने एनसीआरटी पांच बार पढ़ी और फिर आपने एनसी क्यू लगाई जब एनसीआरटी के आपके हुए ही नहीं आपके पचास एनसी एम सी क्यू के अंदर से आपके ट्वेंटी फाइव गलत हो रहे नहीं फिर नहीं है ठीक है तो आप आराम से पढ़ो उनको फोकस के साथ ध्यान से पढ़ लो फिर उसके नोट्स बना लो आप थोड़े से नोट्स ऐसा नहीं है कि पूरी पूरी एनसीआरटी छाप दो नहीं नहीं नहीं, नहीं सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिनको आपको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है और इसको मैं भूल ना जाऊं मुझे इसको रिवाइज करना है बार बार दैट्स ठीक है ओके तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो हाँ जी तो कौन सा सही होगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा स्टूडेंट सी ऑप्शन ए का थ्री मिनाज अल सिराज सिराजहानी जो है उसने कौन सी लिखी थी ताबत ए निसारी लिखी थी उसने ठीक है फिर बी का टू जियाउद्दीन बरानी जो है उसने फतवा ए जहांदरी लिखी थी ठीक है फिर असामी जो है इसामी उसने लिखी थी कौन सी उस असल सल्तन ठीक है और आमिर तामिर ता, तामूर ने लिखी थी आमिर तामिर ने लिखी थी हमारी फर्स्ट वन दैट इज फुजत ए ता, तामूरी ठीक है इसके नाम से ये देखो ये पता चल रहा है यहाँ ठीक है तो ये तो इसके साथ ही मिलना था ठीक है स्टूडेंट्स ओके ओके ठीक है जी एटी नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे डन हो जाता है ठीक है ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा यहाँ पे आपको ओके okay, जी ओके okay, जी ओके ठीक है जी तो आगे बढ़े क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एटी वन कहता पेंटर ऑफ जहांगीर वॉज मोस्ट फेमस फॉर पेंटिंग विच ऑफ द फॉलो कहता जो कोर्ट पेंटर था किसका जहांगीर का कौन Mansur. वो किसके लिए फेमस था स्टूडेंट डी ऑप्शन इज द करेक्ट प्लांट बर्ड और एनिमल ये आपके एनसीईआरटी में एकदम नंबर वन है ठीक है प्लांट बर्ड और एनिमल के लिए वो फेमस था ठीक है जी जहांगीर के अंदर कोर्ट में जो मानसिर नाम का जो हमारा मानसिर नाम का जो कोर्ट पेंटर था वो फेमस था किसके लिए प्लांट बर्ड और एनिमल्स के बनाता था इवन साइबेरियन क्रीन का पहली बार अगर किसी ने पोर्ट्री बनाया था तो उन्होंने बनाया था ठीक है हां जी तो आगे एटी टू नंबर क्वेश्चन पढ़िए पढ़ो एटी टू नंबर क्वेश्चन कहता है देयर वर फाइव मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द मोरन एम्पायर कहता था मोरियन एम्पायर में पांच मेजर पॉलिटिकल सेंटर थे बिल्कुल इंक्लूडिंग दैपिटल पाटलीपुत्र पाटलिपुत्र उनकी कैपिटल थी ठीक है ये बात याद रखनी एंड फोर प्रोवेंशियल सेंटर विच ऑफ द फॉलोविंग नॉट अमंगेस्ट दीज प्रोवेंशियल सेंटर कौन सा प्रोवेंशियल सेंटर नहीं है ये पूछा उसने नॉट पूछा है ठीक है नॉट जब भी आ जाए उसको हाईलाइट कर लिया करो ऐसे करके ठीक है पता चले करेक्ट लगा के आगे वहां पे ठीक है और इस जल्दी में हमने अपने दो मार्क्स खो लिए और प्रीलिम्स में तो तुम्हें पता है एक एक मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट हो पॉइंट पॉइंट भी इम्पोर्टेंट होते हैं ठीक तो है था उज्जैनी बिल्कुल था स्टूडेंट टी तो भी था सुवेर ना, सुवेर गिरी भी था और कौशंबी नहीं था कौशम्बी नहीं था कौशम्बी जो था वो प्रोविंशियल सेंटर नहीं था स्टूडेंट ठीक है उज्जैनी भी था हमारा ठीक है टॉसली भी था ठीक है टॉसली भी था और हमारा स्वर्ण स्वर्णागिरी भी था ठीक है तो कोशम भी नहीं था स्टूडेंट ठीक है ये हमारा फैक्ट था यहाँ पे अगर आपने एन सी आर टी पढ़ पढ़ ली होती बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़ी है अब तक ठीक है नहीं पढ़ी तो पढ़ लो ठीक है अब यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि यार एन सी आर टी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो उनको पढ़ लो ठीक है मेरा ये मतलब नहीं है कि आपका एन सी आर टी ही आपका पेपर क्लियर करवा देगा नहीं 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 ठीक है ऐसी गलत फहमियाँ नहीं पालनी ठीक है बट हाँ उनको पढ़ने का बेनिफिट बहुत होते हैं, ठीक है तो कौशंबी जो था वो हमारा प्रोवेंशियल सेंटर नहीं था स्टूडेंट ठीक है जी ओके जी ओके ओके ठीक है स्टूडेंट तो इस इस सेशन को हम यहीं पे ओवर करते हैं आज ठीक है नेक्स्ट सेशन में हम इस पेपर को पूरा ही कर देंगे कंप्लीट ठीक है जी ओके ओके स्टूडेंट्स तो इवन स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ बहुत अच्छी दैट इज फर्स्ट नवंबर 2023 से स्टूडेंट हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही बैच हमारे यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं स्टूडेंट्स फॉर द पी बैच ठीक है पंजाब पी सी के लिए स्टूडेंट यहाँ पे बैच जो है वो अनाउंस हो चुका है ठीक है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी लिंक मिल जाएगा तो आप वहां पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और इवन अगर कोई डाउट है तो नीचे आपको एक नंबर भी डिस्प्ले हो रहा होगा ठीक है आप उस पर कॉल करके इवन आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू पंजाब पी बैच से रिलेटेड आप रिजॉल्व भी कर सकते हैं ठीक है स्टूडेंट्स ओके ओके स्टूडेंट मैं इसी के साथ ये क्लास यहीं पे ओवर करती हूँ थैंक यू थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे